Hello friends, I am your S.Sc teacher Umair Malik. Let's start our first chapter. Today learn geography first section and our first chapter is our country in the world. तो अगर आप बात करें अपने first chapter की our country in the world के हमारा जो country है वो world में कहाँ पे वाक़ है तो हमारे पहले तो इससे बात हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पाकिस्तान हमारी वो कंट्री का नाम क्या है तो वो हमारा जो नाम है कंट्री का वो पाकिस्तान है और अगर फुल नेम की बात करें तो वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है. तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि वेयर पाकिस्तान लोकेटेड, पाकिस्तान कहाँ पे वाक़ है. तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन एज अ लिंक बिटवीन द इस्लामिक ब्लॉक टू द वेस्ट एंड द नॉर्थ एंड द साउथ एशियन कंट्रीज टू द ईस्ट. तो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज़ के बिल्कुल ना दरमियान में वाक़ है, जो इस्लामिक कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, बिल्कुल ब्लॉक में वाक़ है. इस लिहाज से इसकी पाकिस्तान की जो महल्ले वकूकी जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत है. दस एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है इन्फो के अंदर, वॉट इज़ द एरिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का एरिया जो है वो कितना है. तो पाकिस्तान का जो एरिया है वो 7,79,696 स्क्वेयर किलोमीटर जो है वो है. इसके अंदर आप साथ और भी ममालिक हैं उनका भी यहाँ पे एरिया दिया, वो आप वहाँ से देख सकते हैं इन्फो में. और एक और क्वेश्चन, पाकिस्तान इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में कहाँ पर वाक़ है. तो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्ट में वाक़ है. दूसरी साइड पे चले तो क्वेश्चन थ्री जो है वो ये है, व्हाट द नेम ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज़, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान जो है वो साउथ एशियन के खिते में अंदर आता है. तो उसके अंदर टोटल 7 कंट्रीज़ हैं. सबसे पहले हम बात करें तो देयर आर 7 साउथ एशियन कंट्रीज़, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड देन भूटान. तो गाइस ये 7 कंट्रीज़ जो हैं वो साउथ एशियन कंट्रीज़ में आती हैं. आपसे रिक्वेस्ट ये कि जिस तरह मैंने क्वेश्चंस बना के यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपके टॉपिक जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है पेज 1 और पेज 2 हम जो है वो लर्न करें, तो उसके अंदर से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहे थे वो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिखे, आप अपने नोटबुक पे एज इट इज़ जो है वो नोट कर सकते हैं. और उसके बाद अगर हम पाकिस्तान के महलों की बात कर लें तो मतलब पाकिस्तान के नेबर्स में कौन कौन आता है, इसमें नॉर्थ ईस्ट है जिसको उर्दू में शुमाल मशरिक कहते हैं, उसमें चाइना आता है, और देन नॉर्थ वेस्ट में जिसको उर्दू में शुमाल मगरिब कहते हैं उसको उसमें अफगानिस्तान आता है, ईस्ट में जिसको उर्दू में मशरिक कहते हैं उसके अंदर इंडिया आता है, और देन आगे चलें तो हमारे पास वेस्ट जिसको उर्दू में मगरिब कहते हैं तो उसके अंदर ईरान आता है, साउथ जिसको जनूब कहते हैं जनूब में हमारा अरेबियन सी आता है. तो ये ब्रीफ सा टॉपिक था हमारा आज का पेज 1 और पेज 2 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स थी, लाइंस थी, वो मैंने यहाँ पे नोट आउट कर दी थी. और फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा आवर कंट्री इन द वर्ल्ड, इसके पेज 1 पेज 2 हमने आज रीड आउट किया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने हाईलाइट कर दिए. तो आप अपनी नोटबुक पर इसको जो है वो कॉपी कर ले. उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा. कुछ भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे फीडबैक में सेपरेटली मैसेज करके पूछ भी सकते हैं. और गाइस स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे प्रोटेक्टेड एंड मस्ट 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 वियर मास्क. ओके, अल्लाह हाफिज़.